हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th के अंदर सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में आज सीखना है। तो अपने क्वेश्चन लेते हैं। उसके पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसके आधार पर एक क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में मैंने बताया था। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है वो भी मैंने आपको समझाया था। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है मैं आपको फिर से एक बार बता सकता हूँ। देखो, प्लाज्मा झिल्ली ये होती है कि जो इसकी बाहरी दीवार होती कोशिका की, ये बाहरी दीवार, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। बाहरी दीवार होती है उसे प्लाज्मा झिल्ली होते हैं। तो वो अपने उसके बारे में समझे थे और उसके बाद अपने देखना है आज आपको क्वेश्चन 1 में प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार यानी आवागमन, मतलब आना जाना कैसे होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पदार्थ कैसे जाते और कैसे आते हैं उसके बारे में आप सीखेंगे। तो अपना पहला एक टॉपिक नाम है, इसमें आप परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो विसरण और परासरण। आपका दोनों का जवाब एक ही होगा। तो आप ये ऊपर का क्वेश्चन बोले या नीचे का जो लिखा विसरण प्रश्न का उत्तर यही लिखना। अगर परिभाषा बोले तो यही लिखने का, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं आपको। तो अगर आपको ये बोले कि संचार का आवागमन करो तो उसमें आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखोगे। तो पहले अपने लेते हैं विसरण की परिभाषा। इस प्रक्रिया के तहत एक प्रक्रिया है जो प्लाज्मा झिल्ली के लिए होती है, पदार्थ की गति, पदार्थ का गति मतलब जाना उच्च सांद्रता से। तो सांद्रता के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, सांद्रता की परिभाषा आप चैप्टर 2 में सीख चुके हो कि मैंने बताया था कि अगर कोई पात्र में पानी लेते हो उसके अंदर आप चीनी मिलाते रहते हो, चीनी मिलाते जाएंगे एक स्थिति आएगी चीनी मिलेगी ही नहीं। तो उस स्थिति के पहले का जो बिलियन बनेगा उसे उसकी चीनी की सांद्रता कही जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, तो लिखना नहीं है परिभाषा में, खाली ध्यान रखना कि सांद्रता क्या होती है। अब यहाँ पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी देखो मैं इधर पे इस तरह गोल राउंड करता हूँ, कहाँ से कहाँ जाना है अपने को, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना है, की ओर जाती है। तो हमेशा जहाँ उच्च सांद्रता होती है, मान लो बाहर पहले उच्च सांद्रता है और अंदर क्या है, निम्न सांद्रता है, तो ये क्या करेगा, ये पदार्थ अंदर की ओर जाएगा। अगर इसका उल्टा हो, इसका उल्टा मतलब निम्न सांद्रता से अगर उच्च सांद्रता बोले तो ये क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा। इस तरह आपको ध्यान रखना। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, मैंने लिखा उच्च सांद्रता से बाहर उच्च सांद्रता है, अंदर क्या निम्न सांद्रता है, मतलब कोशिका के अंदर मान लो कम प्रवाही हो, कम हो, और बाहर ज्यादा उस सांद्रता हो पदार्थ की, तो क्या करेगा पदार्थ, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता बाहर है और निम्न सांद्रता अंदर है, इसलिए बाहर से अंदर की ओर पदार्थ गति करेगा, जाएगा। अगर इसका उल्टा बोला जाए तो अगर अंदर क्या हो आपका, उच्च सांद्रता हो और बाहर निम्न सांद्रता, तो बाहर की ओर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है की ओर जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, O2 यानी होता है ऑक्सीजन, इसमें दो अणु होते हैं इसलिए इसे O2 कहा जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की प्रक्रिया द्वारा, मतलब ये प्रक्रिया कैसे होती है आपको ध्यान रखना है, किसमें होती है ज्यादातर, O2 और CO2 विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाती है। ये आपकी कोशिका झिल्ली है, इसके आर और पार दो तरह से होती है प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आप विसरण के लिए परिभाषा बोले तो इतना ही लिखोगे। अगर आपको बोले कि प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार का आवागमन बोले तो आपको परिभाषा के साथ ये उदाहरण भी देना है। इसके बाद अपने दूसरी बात सीखेंगे कि परासरण क्या है, अगर परिभाषा के रूप में सीख रहा हो तो। इस प्रक्रिया के तहत, ये प्रक्रिया इसके तहत द्रव पदार्थ, इसमें द्रव पदार्थ होता है अधिकतर, प्रवाही जो तरल पदार्थ बहता है, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर जाती है। चलो दोस्तों अपने प्रसरण के बारे में, परासरण के बारे में सीखते हैं। उसके पहले मैंने विसरण आपको सिखा दिया, तो परासरण क्या है वो समझना है। तो देखो इधर मैंने लिखा इस प्रक्रिया में के तहत द्रव पदार्थ, इधर पे क्या था पदार्थ था, इधर ओनली फॉर द्रव पदार्थ की बात की है। इधर क्या बोला था मैंने पदार्थ, पदार्थ में आपका क्या है गैस भी हो सकती है, प्रवाही भी हो सकता है और वो सब हो सकता है, लेकिन इसमें ओनली फॉर द्रव पदार्थ के बारे में ध्यान रखना। द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, मतलब वही बात है इसमें, खाली इसमें मैंने बात जोड़ दी है कौन सा पदार्थ है, द्रव पदार्थ, और यहाँ पे ओनली फॉर क्या लिखा है पदार्थ, तो इसमें पदार्थ लिखने का, इसमें आपको द्रव पदार्थ जोड़ देने का, परिभाषा सेम टू सेम आएगी, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हो, जल परासरण प्रक्रिया द्वारा, जल परासरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है आपकी, कोशिका झिल्ली जो कोशिका की बाहरी परत होती, दीवार होती, कोशिका झिल्ली, झिल्ली में के आर पार जाती है, आर पार यानी आना जाना होता है। देखो जैसे मान लो मैंने अभी बताया था आपको कि उच्च सांद्रता से, अगर बाहर उच्च सांद्रता हो और अंदर क्या हो निम्न सांद्रता, मतलब बाहर ज्यादा पानी हो अंदर कम पानी हो, तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा, ये ध्यान रखना। बाहर अधिक पानी हो और कोशिका में कम पानी हो तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की ओर पानी जाएगा। अगर कोशिका में ज्यादा पानी हो जाए यानी उसकी सांद्रता बढ़ जाए तो क्या होगा कि कोशिका का पानी कहाँ चला जाएगा, अंदर से बाहर की ओर चला जाएगा, मतलब उच्च सांद्रता अंदर होगी तो पानी क्या होगा बाहर से, अंदर से बाहर की ओर चला जाएगा, इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो आज अपने इतना ही देखना है, थैंक यू वेरी मच।